हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर्स। सो गाइस, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट लेके आई, जिसमें आपको मिल जाते हैं टोटल 15 क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के होते हैं, 5 फिजिक्स के होते हैं और 5 ही क्वेश्चंस केमिस्ट्री के भी होते हैं। तो टोटल इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलती है 15 क्वेश्चंस और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं यहाँ पे कि आज किस टाइप से आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द WBC एंड RBC इज। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए 600:1, ऑप्शन बी 1:600, ऑप्शन सी 600:10, ऑप्शन डी 10:600। तो यहाँ पे WBC एंड RBC का आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो वो कितना होता है वो आपको याद रखना है। वो होता है 1:600। बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1:600 आपका। द रेशियो ऑफ WBC एंड RBC इज 1:600। ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। सेकेंड है, ब्लड इज अ। ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी एडिपोज बोन, ऑप्शन सी आपका दिया गया है फाइबरस टिश्यू, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो ब्लड क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो आपका इसेंशियल है। तो विटामिन के आपका यहाँ पे इसेंशियल है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, विटामिन के इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रास। ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए कैमलिया साइनेसिस, ऑप्शन बी ऑस्मिमम सेक्टम, ऑप्शन सी आपका दिया गया पोएसी, ऑप्शन डी दिया गया मूसा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्रास होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या है। ग्रास का यहाँ पे बॉटनिकल नेम पूछा जा रहा है, तो वो होता है पोएसी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पोएसी जो होता है वो ग्रास का बॉटनिकल नेम है, ऑप्शन सी आपका पर राइट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैमलिया जो साइनेसिस है वो क्या होता है, टी प्लांट का बॉटनिकल नेम है कैमलिया साइनेसिस। ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है ऑस्मिमम सेक्टम, ये जो है वो तुलसी के लिए बोलते हैं, तुलसी का बॉटनिकल नेम जो है वो है ऑस्मिमम सेक्टम। और मूसा जो है वो केला के लिए बोला जाता है, केला का बॉटनिकल नेम है मूसा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पोएसी, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रास है उसका बॉटनिकल नेम है पोएसी, पोएसी इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रास, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइड सेल्स फॉर्म्ड। ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी पैनक्रीज, ऑप्शन स्प्लीन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के किस अंग में लिम्फोसाइट सेल का निर्माण होता है, तो वो होता है बोन मैरो में। बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बोन मैरो, ऑप्शन बी आप देख सकते हो बी यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच मेटल इज यूज बाई द ज्वेलर्स टू मेक गोल्ड एंड प्लेटिनियम ऑर्नामेंट्स हैवियर। ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए रोडियम, ऑप्शन बी इरेडियम, ऑप्शन सी एरबियम, ऑप्शन डी थोरियम। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ज्वेलर्स द्वारा किस धातु का उपयोग सोने और प्लेटिनियम के आभूषणों को भारी बनाने के लिए किया जाता है।
तो वो किया जाता है इरेडियम को। इरेडियम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्वेलर्स द्वारा इरेडियम धातु को यूज़ किया जाता है सोने और प्लेटिनियम के आभूषणों को भारी बनाने में। ठीक है, इरेडियम आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा इरेडियम, ऑप्शन बी इरेडियम आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इरेडियम मेटल इज़ यूज्ड बाय द ज्वेलर्स टू मेक गोल्ड एंड प्लेटिनियम ऑर्नामेंट हैवियर। नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन। ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए फराडे, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी हुक, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन को डिस्कवर किन्होंने किया था, तो नाइट्रोजन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। आपका डी राइट हो जाएगा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड डिस्कवर नाइट्रोजन, डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है आपका हु आइसोलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए जोसेफ ब्लैक, ऑप्शन बी दिया गया आपको कैवेडिश, ऑप्शन शील, ऑप्शन ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो ये पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किसने किया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट किया था जोसेफ ब्लैक ने। ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जोसेफ ब्लैक। जोसेफ ब्लैक आइसोलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया था जोसेफ ब्लैक ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सो नेक्स्ट है वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी डाल्टन। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि वाटरमेलन मॉडल जो है एटम का वो किसने दिया था, तो वो दिया था जे जे थॉमसन ने। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा, जे जे थॉमसन। ऑप्शन ए जे जे थॉमसन। वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय जेवन जे जे थॉमसन। नेक्स्ट है आपका सोडियम मेटल इज केप्ड इनसाइड। ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए केरोसिन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी एयर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सोडियम धातु किसके अंदर रखा जाता है, तो वो रखा जाता है केरोसिन के अंदर। ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, केरोसिन। सोडियम मेटल इज केप्ड इनसाइड केरोसिन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी नन। तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अमीटर को यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अमीटर। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज़ करते हैं, जो कि सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, जो आपके सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। अमीटर ऑलवेज क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। और वोल्ट मीटर जो है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट्स का, तो वो हमेशा क्या होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट में। वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है और अमीटर आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ वर्क डन इज। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी मोमेंटम, ऑप्शन डी इम्पल्स। तो रेट ऑफ वर्क डन इज क्या होता है, वो होता है पावर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। नेक्स्ट है इन सोनार वी यूज। ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन सी रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी ऑडिबल साउंड वेव्स। तो यहाँ पे सोनार में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, हम लोग अल्ट्रासोनिक, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव। इन सोनार वी यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ए आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होगा आपका सोनार का फुल फॉर्म। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आपको ये भी याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके आया भी जेई जो CBT 1 का अभी एग्जाम हुआ हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था रेलवे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज ड्यू टू।
ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए कन्वेक्शन, ऑप्शन बी रेडिएशन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका रेडिएशन के कारण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज ड्यू टू, वो होता है रेडिएशन के कारण, ठीक है, रेडिएशन के कारण यहाँ पे होता है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, रेडिएशन। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है आपका 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए गए आपको, ऑप्शन ए 3.8 मेगा जूल, ऑप्शन बी 3.6 मेगा जूल, ऑप्शन सी 3.2 मेगा जूल, ऑप्शन डी 4.0 मेगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर में जो आपका होता है 3.6 मेगा जूल होता है, ठीक है, 3.6। सो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर में जो होता है वो 3.6 मेगा जूल होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिले, 5 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के थे, 5 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के और 5 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के थे। तो टोटल इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस मिले। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर अपडेट।